पुतिन के कमांडो से जेलेंस्की को कौन बचाएगा? कीव से 700 किलोमीटर दूर खास स्पेशल कमांडो ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से जेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस। ये खुफिया स्पेशल कमांडो कौन है, यह भी कहां है, इनके ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट क्या है, पुतिन के शार्प शूटरों से बचाकर ये जेलेंस्की को कब कैसे और किस रास्ते से यूक्रेन से बाहर ले जाएंगे, इसका पूरा प्लान इन स्पेशल कमांडोज के पास तैयार है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये जेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं। इनका नाम ही इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे, इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे हैं उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में ही, यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. ये यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में बैठकर ज़ेलेंस्की की वो ललकार है जिसने पुतिन का मूड खराब कर दिया है। ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वो कीव में रूस की सेना के किलिंग प्लान पर पानी फेर चुका है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो किसी खास बंकर में नहीं छिपे बल्कि अपने दफ्तर में। ज़ेलेंस्की के शब्द रूस की रेड आर्मी के लिए सीधी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को जान से मारने का रूस का पहला प्लान फेल हो चुका है। रूस की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही, और तो और ज़ेलेंस्की की जान लेने के तीसरे प्लान पर भी पानी फिर चुका है। और तो और रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। खार्किव में 27 लोग मारे गए हैं। खार्किव जो कि अपने आप में यूक्रेन का महत्वपूर्ण शहर है, और ऐसे में अभी तक जो 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। एक दिन में जिस तरीके से रूसी हमले लगातार जारी है, उसमें 27 लोग मारे गए हैं खार्किव शहर में। और इसके साथ ही खार्किव में अभी तक लगातार मौत का आंकड़ा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पुतिन की सेना है जो कि पूरे दलबल के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लोगों पर गोलीबारी बमबारी लगातार जारी है, और 170 लोग अभी तक खार्किव में मारे गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं पहुंचा है तो वो है खार्किव शहर, जहां पर सबसे ज्यादा आर्थिक गतिविधियां यूक्रेन देश की देखने को मिलती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से शहर को तहस नहस कर दिया गया है, चाहे वो बड़ी बड़ी इमारतें हो, बिल्डिंग्स हो, सरकारी बिल्डिंग्स की बात की जाए, इसके साथ ही बिजली प्लांट पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेल डिपो पर भी आगजनी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, और ऐसे में उन तमाम शहरों को टारगेट करते हुए जहां से यूक्रेन देश पूरी तरीके से चलता हुआ नजर आता है।
और इसके साथ ही आपको बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ब्रिटेन भी रूस से तेल के आयात को बंद करेगा। साल के अंत तक रूस से तेल की निर्भरता खत्म करने का फैसला लिया गया है। पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि रूस के हमले को बंद करने की ब्रिटेन पूरी कोशिश करेगा, साथ ही यूक्रेन को एक बार फिर संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स को वर्चुअल तरीके से ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया था, जिसके बाद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ये ट्वीट किया है जिसमें ये पूरी तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर शहरों को तबाह किया जा रहा है तो एक बार फिर से उन शहरों को बसाया जाएगा जिसमें मदद ब्रिटेन करेगा। अब यूक्रेन के इस महायुद्ध में, यूक्रेन और रूस के इस महायुद्ध में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कई ऐसे देश हैं जो कि पूरी तरीके से खुलकर समर्थन करते हुए यूक्रेन का नजर आ रहे हैं।